मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। उस समय यीशु सप्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सप्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था? या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सप्त के दिन मंदिर में सप्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्त के दिन गढ़े में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सप्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना, कि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा? जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे,
क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। यूनुस तीन रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वह सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां बास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है।